नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वुडवर्क चैनल में। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि एल शेप में किचन कैबिनेट्स कैसे तैयार किया जाता है। और जो एल शेप में डोर बनाया जाता है, उस डोर में हिंजिस यानी कि कब्जे को किस तरीके से सेट किया जाता है। और इस कैबिनेट में हमने दो कलर के लैमिनेट का यूज़ किया है, जो कि रेड और वाइट कलर का है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम काउंटर के नीचे के कैबिनेट्स के बारे में बात करेंगे। ये देखिए दोस्तों, फर्स्ट में हमने यह दो पल्ले बनाए हैं, जिसे कि आप मैं खोल के दिखाता हूँ कि अंदर का व्यू कैसा है। ये देखिए दोस्तों, अंदर हमने सिर्फ एक पार्टीशन किया है, ताकि आप बड़े बड़े सामान यहाँ पर आप रख सकते हैं, जैसे आटा चावल होते हैं, वो बड़े सामान होते हैं, आप यहाँ रख सकते हैं। और जस्ट इसके नीचे हमने यहाँ पर मैग्नेट लगाया है पल्ले के लिए, यहाँ आप देख सकते हैं। और आप इसके हैंडल देखिए, कितने अच्छे हैंडल हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं। और जस्ट इसके सामने साथ में ही हमने दो ड्रॉर बनाया है। ड्रॉर का साइज 5 इंच है और चौड़ाई इसकी 17 इंच रखी है हमने, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ड्रॉर के जस्ट नीचे हमने दो सिंगल सिंगल पल्ले तैयार किए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं अंदर का व्यू कैसा है। आप छोटे छोटे सामान भी रख सकते हैं यहाँ पर। और जस्ट इसके साथ में हमने एक सिलेंडर के लिए सिंगल पल्ला तैयार किया है। बात करें इसके साइज की, तो 17 इंच चौड़ाई है और 26 इंच इसकी हाइट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ी हाइट कम पड़ी थी, उसकी वजह से हमने यहाँ जो कैबिनेट्स बनाया है वो नीचे से हमने कटिंग किया है, देख सकते हैं आप, ताकि सिलेंडर रखने में कोई दिक्कत ना हो। और बात करते हैं अब जो कि कॉर्नर में जो डोर तैयार किया जाता है, वो किस तरीके से तैयार किया जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमने कॉर्नर में डबल डोर बनाया है एल शेप में, जिसके जो आप हिंजिस है यहाँ पर आप लगा सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं ऐसा है ये पल्ला, जिसे इसको हमने यहाँ बंद कर दिया। और इसकी सेटिंग के लिए हमने यहाँ ऊपर केचर लगाया है, आप यहाँ देख सकते हैं। अब बात करते हैं जो सिंक का एरिया है, यहाँ आप देखिए उसके नीचे जस्ट डबल पल्ले हमने तैयार किए हैं। अब मैं आपको इसे खोल कर दिखा देता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं। और इसके जो कैबिनेट्स के जो हमने बनाया है, उसके टकरों पे हमने लैमिनेट के सेम टेप लगाया है, यहाँ आप देख सकते हैं टेप लगाने से कितना बढ़िया दिखाई दे रहा है, ये देखिए। अब आपको मैं पूरा इसका व्यू दिखा देता हूँ, ये देखिए दोस्तों। बात करें इस पूरे एल शेप की, काउंटर से नीचे जो कैबिनेट्स तैयार किया है उसके साइज के बारे में, तो आप यहाँ से देखेंगे पूरा ये 9 फीट का एरिया है यहाँ तक, और हाइट इसकी 27 इंच है। बात करें काउंटर से ऊपर वाले कैबिनेट्स की, तो ये देखिए दोस्तों, यह 5 डोर का हमने कैबिनेट तैयार किया है, आप देख सकते हैं। बात करें इसके साइज की, तो इसकी लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 फीट है, यानी कि 84 इंच, और चौड़ाई इसकी हमने 3 फुट रखी है, और गहराई 12 इंच, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और हमने यहाँ पर अच्छा दिखने के लिए हमने यहाँ पर 8 इंच बाई 6 इंच में राउंड कटिंग की है। और कैबिनेट्स की जो टकरे हैं, उस पर हमने लैमिनेट से मैचिंग टेप का यूज़ किया है, आप देख सकते हैं। मैं आपको इसे अंदर खोलकर अंदर का व्यू दिखाता हूँ। सबसे पहले ये दो हमने डबल डोर तैयार किया है,
आप यहाँ देख सकते हैं छोटे बड़े सेल्फ हमने यहाँ पर दिए हैं ताकि आप छोटे बड़े सामान रख सकते हैं आसानी से। मैं इसे बंद कर देता हूँ और ये हमने हैंडल यूज़ किया है, आप हैंडल देख सकते हैं, यह 6 इंच के हैंडल है, ये देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। और इसके साथ में हमने डबल डोर तैयार किया है, ये देख अंदर से देखिए आप, इसमें हमने सिर्फ एक सेल्फ दी है ताकि आप बड़े सामान रख सकते हैं इसमें। और लास्ट का जो डोर है वो सिंगल डोर है, इसमें भी सेम हमने एक सेल्फ दी है, आप यहाँ देखिए। और जो लैमिनेट्स का कलर है वो रेड और वाइट कलर का है, जो रेड और वाइट कलर के है इसमें आप देखिए ध्यान से कि इसमें स्पार्कल कलर के डॉट है, इसमें देखिए आप यहाँ पर। अभी जो ये प्लास्टिक लगा है ऊपर से, ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक, ये कंपनी की ब्रांडिंग है, इसे हमने अभी नहीं निकाला है क्योंकि अभी पूरे किचन में पेंट करना बाकी है, यही कारण है इसका। तो अगर आपको यह कैबिनेट अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।